करंट uh, अफेयर्स की अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था इसलिए okay? क्लास, okay? so, uh, क्लास में लाइव नहीं ले पा रहा हूँ आपको क्लास लाइव जरूर दिख रही होगी बट ये क्लास जो है मैं रिकॉर्ड ऑलरेडी कर दी थी जिससे आप लोगों का नुकसान ना हो कल मैं थोड़ा सा अपने काम से व्यस्त रहूंगा इसलिए ये क्लास मैंने आपके लिए एडवांस में रिकॉर्ड कर दी है बट आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग ढंग से इस पूरी वीकली करंट अफेयर सेशन को वीडियो को पूरा देखेंगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और सेशन को लाइक भी कीजिएगा ठीक है और अगर कोई सवाल रहे तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा मैं डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा चलिए तो जरा बात करते हैं वीकली करंट अफेयर्स जो इस महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है सबसे पहले बुक सुपर कोचिंग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ठीक है आपके क्लासेस के टाइमिंग्स आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको सारी अपडेट्स मिलते रहे कब कब क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है

सो okay? so, अब बाइलेट्रल ट्रेड में ठीक है जो मतलब लोकल करेंसी का उपयोग करेंगे अपने अपने देश की करेंसी मतलब मान लीजिए भारत के लोगों को वहां से कुछ खरीदना है तो इंडियन रुपीज में दे सकते हैं और वहां के लोगों को भारत से कुछ खरीदना है तो वहां की करेंसी में मतलब बीच में डॉलर का उपयोग खत्म अभी तक इंटरश्रल ट्रेड के लिए हमको डॉलर में पैसा देना पड़ता था ठीक है मान लीजिए वहां से कुछ खरीद रहे तो डॉलर में वो लोग यहां से खरीदे डॉलर में पेमेंट मतलब कहीं ना कहीं डॉलर एक्सचेंज में आपका पैसा जाता था तो सीधी बात है है ठीक जैसे ही अब डॉलर एक्सचेंज में पैसा कैसे जाता है कि मान लीजिए भारत को अब, को बेसिकली दस करोड़ रुपए देने हैं किसी अ, सामान किया मान लीजिए वहां से कुछ खरीदा बैलेंस ऑफ पेमेंट में दस करोड़ रुपए देने तो भारत को पहले क्या पहले जाके डॉलर खरीदना पड़ेगा अपना इंडियन रुपीज देके डॉलर लेना पड़ेगा फिर वो डॉलर लेके जाके यूएई को डॉलर देंगे ठीक है तो उसमें अब डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है हर देश जो है डॉलर में ही पेमेंट करता है पेमेंट एक्सेप्ट करता है तो उसमें होता क्या है कि बार बार सब जो है डॉलर लेने ले जाते हैं मतलब डॉलर की डिमांड ज्यादा है डॉलर की डिमांड ज्यादा है तो डॉलर के रेट बढ़ जाते हैं ठीक है थीके? और सारी करेंसी जो है सारा सब जो ट्रेड है वो डॉलर पर डिपेंड हो जाता है ओके सो एक म्यूचुअल कॉपरेशन हुआ है भारत और यूएई के बीच में कि अब से जो हम व्यापार करेंगे आपस में

लेने जाना पड़ेगा मतलब मान लीजिए को को कुछ कोई करना है तो उसको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है तो वो, वहाँ पे जो लगता, वो भी बचेगा और सेटलमेंट करने में तो से अच्छा निर्णय है और व्यापार के अगर हम बात करें स्पेशली जो इकोनॉमिकल एडिशन है वो बहुत ज्यादा मजबूत होंगे जैसा कि टारगेट है हंड्रेड बिलियन का ठीक है हंड्रेड बिलियन डॉलर का जो टारगेट है इंडिया और यूए के बीच का ट्रेड का ठीक है कि भारत और सॉरी के बीच जो ट्रेड है सौ डॉलर सौ बिलियन डॉलर के आसपास पहुंचना चाहिए और वो उस टारगेट को अचीव करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी सो so, जो बेसिकली मुद्राओं का जो स्थानीय मुद्राओं का प्रयोग करने का बात की गई है और ये जो यहाँ पे मुद्राओं का उपयोग होगा आप सभी को पता होना चाहिए कि जो शशिकांत सॉरी दास है जो कि यहाँ के आ, हमारे बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है और जो वहां के गवर्नर है मोहम्मद बलामा ओके जो यूएई का धर्म है ठीक है यूएई में क्या होना चाहिए भारतीय रुपीज तो पता आपस में लेन देन होते रहेगा भारत के लोगों को वहां से कुछ सामान खरीदना है तो भारत की करेंसी में दे सकते हैं आप बस जाके अपने पांच पांच सौ के नोट लेके जा सकते हैं दो हजार का नोट तो बंद हो गया और बाकी वहां यूएई वाले जो है यहाँ का सामान खरीदने के लिए कार्ड जो धर्म है उसका उपयोग कर सकते हैं तो ये आपस में जो ट्रांजेक्शन है उसमें और ये ट्रांजेक्शन होना भी स्टार्ट हो गया अभी सबसे पहले ये ट्रांजेक्शन जिस दिन ये डील हुई उसके अगले दिन ही जो यस बैंक है उसने बारह हजार करोड़ का समथिंग उस गोल्ड का ट्रांजेक्शन है उसका जो पेमेंट है वो इंडियन रुपीज में किया है ठीक है सो इस तरीके से एक न्यू सिस्टम डेवलप हुआ है जो कि अपने आप में बहुत अच्छा है इंडिया यूआई के रिलेशन को डेवलप करने के ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है भूमि सम्मान एक नया अवार्ड स्टार्ट हुआ है भूमि सम्मान अब ये भूमि सम्मान अवार्ड क्या है वो जरा देखते हैं अभी आ, आपकी जो आ, हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी उन्होंने भूमि सम्मान जो हैं के अवार्ड वितरण किए विज्ञान भवन में अब अठारह जुलाई की बात है ये सो अब जरा देखते हैं कि ये भूमि सम्मान क्या है भूमि सम्मान विज्ञान भवन में दिए गए हैं इस अवार्ड सेरेमनी में जो लोग डिजिटल इंडिया के माध्यम से ठीक है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम डी आई डी आई एल आर एम पी के जो हिस्सा थे और जिन्होंने उसमें बहुत अच्छा भूमिका निभाई है उन सभी को ये जो भूमि सम्मान दिया गया है डिजिटलाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड ओके सीधा क्या है है पे कि लैंड रिकॉर्ड जो जो जमीन के दस्तावेज उनको डिजिटलाइज कर देना बिकॉज नहीं तो बहुत सारा उसके चलते बहुत सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं कि भाई किसकी कौन सी और उसमें जब क्लियरिटी नहीं होती ना कई हजारों साल पुरानी फाइलें पड़ी हो उसमें दस्तावेज छुपे और वो कहीं ना कहीं वेल मैनेज नहीं और उसमें क्लियरिटी नहीं आ पाती इसलिए लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज uh, करना अपने आप में एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की टू स्ट्रीम लाइन द प्रोसेस रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग और ट्रांजेक्शन भी बहुत इजीली हो जाएंगे उससे uh, जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो भी बहुत इजीली रिजॉल्व होंगे और इसलिए अपने आप में बहुत बड़ा बेसिकली uh, uh, पहल है सो so, हर बेसिकली uh, देश में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है और उसी हिसाब से जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है जिस भी क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है उन सभी को ये अवार्ड दिए गए सो स्कीम एक्सप एक्सम्पली वाई द प्रिंसिपरेटिव फेडरिजम ऑल्सो ट्रस्ट बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट ओके? तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में सहकारी संघवाद को भी दर्शाता है।, so, भु, so, है और डिजिटल इंड, इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इसको हम बोलते हैं ठीक है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकरण कार्यक्रम में जिन लोगों ने भागीदारी दी और आउटस्टैंडिंग काम किया मतलब जो एक्सपेक्टेशन से उससे बढ़कर बेहतर परफॉर्मेंस किया उन सभी को भूमि सम्मान से नवाजा गया ठीक है so सो बस ये आपको भूमि सम्मान क्या है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बाकी अच्छा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप आप सभी सभी के के लिए लिए है कि 20 20 20 जुलाई जुलाई से से बहुत शानदार 21 और 22 ओके okay? तीन दिनों तक 20 जुलाई 21 जुलाई और 22 जुलाई तक लगातार एक बहुत शानदार सेल ऑफर आपके लिए चलने वाले हैं सो so फटाफट उस सेल ऑफर का उपयोग कीजिएगा इस वीडियो के लिंक में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप फेसबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे एक पेड यूजर एक सब्सक्राइब्ड यूजर बन सकते हैं तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए एक सिंगल सब्सक्रिप्शन आपकी पूरी प्रिपरेशन को सॉर्ट आउट कर सकता है के लिए जो भी आपको बेसिकली नोट्स चाहिए क्लासेस चाहिए कंटेंट चाहिए दिसंबर के लिए सब कुछ एक जगह मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ जो है सिंगल सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा पेपर वन प्लस पेपर टू के लिए सो इस ऑफर का जल्दी उपयोग कर लीजिए बिकॉज ऐसे ऑफर बार बार नहीं आते तो प्लीज प्रयास कीजिएगा कि इन तीन दिनों में आप अपना सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली लेकर अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्स्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्सरसाइज मंगोलिया एंड इंडिया मंगोलिया के साथ में ठीक है भारत और मंगोलिया के बीच में जो है नोमेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज जो है 2023 की कंडक्ट की गई है ओके अब ये मिलिट्री एक्सरसाइज क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं 2023 है जो पंद्रहवा संस्करण है ठीक 15 है 15th एडिशन है एलिफेंट का हिंदी में कहा जाएगा घुमकड़ हाथी वैसे हम उसको नोमेटिक एलिफेंट भी बोलते हैं ऐसे भारत जो जो है 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 बहुत सारे देशों के साथ जो है मिलिट्री एक्सरसाइज करता कई बार हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं और ये एक्सरसाइज कब स्टार्ट इम्पोर्टेंट है है सो पहली बात तो सवाल आ सकता है कि नोमेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ भारत करता है तो भारत मंगोलिया ये बात क्लियर हो गई मंगोलिया कहाँ का देश है सेंट्रल एशिया एशियाई कंट्री है ठीक है भारत के ऊपर जो सेंट्रल एशिया के देश है उसमें चाइना के ऊपर मंगोलिया पड़ता है आपका सो सेंट्रल एशिया का देश है तो मंगोलिया के साथ भारत जो है अपने संबंध सुधारा बिकॉज इंडिया की जो पॉलिसी है, बेसिकली सेंट्रल एशिया पॉलिसी इंडिया की चली रही है इंटरेक्ट से, से कर रहा है सेंट्रल एशियन कंट्रीज ओके एंड ये एक्साइज जो है दो में स्टार्ट हुई थी ये पूछ सकते हैं आपसे एक्साइज जो है दो में सबसे पहली बार की गई थी मंगोलिया में ही और उसके बाद लगातार उसके बारी बारी से कभी भारत में कभी मंगोलिया में अलग अलग तरीके से अभ्यास चलते रहते हैं और इस बार जो अभ्यास है वो आपका मंगोलिया में हो रहा है इकतीस जुलाई, जुलाई, जुलाई तक चलने वाला है सो नोमेडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और इंडिया और बेसिकली जो आपकी मंगोलिया की जो आर्मी है उनके बीच में होता है ठीक है याद रखिएगा अगली बात बहुत बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी आपको पता है कि अक्सर बहुत सारे देशों में जाते रहते हैं और इस बार जहां गए हैं उनको बहुत बड़े अवार्ड से नवाजा गया है बहुत बड़े सम्मान से अवार्ड नवाजा गया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑफ द द लीजन ऑनर ओके जो कि फ्रांस का सबसे बड़ा सम्मान है जैसे कि भाई हम भारत रत्न की बात करते हैं इंडिया में भारत रत्न है वैसे ही फ्रांस में जो है उसी प्रकार के स्तर का एक बहुत बड़ा सम्मान जो है वो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर है जिससे भारत के प्रधानमंत्री को नवाजा गया है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सो so, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड से नवाजा गया और भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड एंड मिलिट्री अवार्ड ओके okay? ये फ्रांस में सबसे सर्वोच्च मिलिट्री और नागरिक सम्मान के रूप में जाना जाता है आ, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमेनुअल मैक्रॉन इन्होंने भारत प्रेसिडेंट को सॉरी प्राइम मिनिस्टर को यह अवार्ड दिया है इसलिए या फिर बोल सकते हैं ये ऑनर पेश किया है एंड

भारत के प्रधानमंत्री को इस सम्मान से नवाजा मतलब भारत को नवाजा है तो खुशखबरी की बात है हम सभी के लिए और बस ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे इस वीक से संबंधित चार इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे अब इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे हम 6:30 थर्टी पर सो so, मिलते हैं वीकली करंट अफेयर का टेस्ट जो कि लाइव मैं लूंगा आपका तो so, तब मैं अवेलेबल रहूंगा सिक्स थर्टी पी एम पे तो जरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इस वीडियो को पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा दो दिन बाद रिवाइज कर लीजिएगा ठीक है छोटा वीडियो है बट अच्छे से रिवाइज कीजिएगा एक एक पॉइंट को और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम सेव सिक्स थर्टी पी एम पे मिलता हूं टेस्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपको सो so, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए जाने से पहले टेस्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने पहली बार वीडियो देख रहे हैं और साथ साथ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ठीक है वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अपने पास सेव भी करके रख लीजिए रिविजन भी करना पड़ेगा ठीक है सो सिक्स में एप पर, जहां पे हम करेंगे, और इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करके जल्दी से जल्दी अपना सब्सक्रिप्शन लेना स्टार्ट कर दीजिए अगर और कोई समस्या आती है तो आप मुझे एट द रेट पी आर ए डी वाई यूएमएन अंडर स्कोर्स सर पे मिल मैसेज कर सकते हैं ठीक है आपके कोई भी सवाल है

फिर प्रिपरेशन आधे अधूरी होती है और फिर सिलेक्शन भी आधा अधूरा हो पाएगा ठीक है चलिए तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूँ धन्यवाद दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्या क्या टॉपिक अच्छे लगे और जो भी समस्या है कोई डाउट है अगर आपका तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल के जाइएगा कि जो भी प्रॉब्लम है तो मैं डेफिनेटली जब भी फ्री रहूंगा रिप्लाई कर दूंगा आपको ठीक है थैंक यू सो मच थैंक यू